हेलो एवरीवन, पिछली कड़ी में आपने जाना बच्चे के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि हमारे बच्चे जब बचपन से छुटपन से ही क्या हमारी बातों को सुन के अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, बच्चा जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो ही व्यवहार उसके जीवन में आता है। इसलिए कहा जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से ही माताओं को अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमारे पुराने समय में कहा जाता था कि आप लोग अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान की बातें, और किसी की निंदा ना करें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, ताकि आपका बच्चा बुद्धिमान बने, अच्छा बने। अभिमन्यु की तो कहानी महाभारत की सभी को पता है कि उसने गर्भ में रह के ही अंदर जाने की विधि सीख ली, लेकिन बाहर जाने की विधि नहीं सीख पाया चक्रव्यूह तोड़ के, क्योंकि माँ सो गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा हमारी परवरिश, जैसे हमारे विचार, जैसे परिवार का रहन सहन और व्यवहार होता है, वही एक फ्लॉपी बच्चे के अंदर छप जाती है। लेकिन एनवायरनमेंट का भी बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़े होते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो बाहर का वातावरण भी उनको प्रभावित करता है। तो हम पेरेंट्स को क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम घर के वातावरण और बाहर के वातावरण को बैलेंस करना बच्चों को सिखाएं। एक पाश्चात्य सभ्यता में भी बहुत अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। हमारी परंपरा में भी अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। अब हमारा विवेक, हमारा विजडम हमें क्या कहता है, उसके द्वारा हमारे को चूज करना चाहिए कि हमारे को कौन सा रास्ता चुनना है। हर एक अपने हिसाब से, कहते ना कि हर इंसान कहता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। लेकिन हर एक की परिस्थिति, हर एक का समय, हर एक की सोच अलग अलग होती है। तो जैसे कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे सारी उंगलियां बराबर नहीं दी हैं, इसी प्रकार हर इंसान, हर बच्चा अलग होता है। जी हाँ, आप मेरे द्वारा ले रहे हैं जानकारी रेकी के माध्यम से और अन्य ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे परिस्थितियों को और सरल बना सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जो हमारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, जो हमारे पुराने समय से चली आ रही हैं, उनमें और एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो रिसर्च हो रही है, उन रिसर्चेस को और एड ऑन करके आप तक ये जानकारी पहुँचाई जा रही है। तो हमने पिछली कड़ी में यही बात की थी कि जैसा हम बच्चों को फीड कर रहे हैं, वही वैसा ही व्यवहार बच्चा। यदि ज़्यादातर देखा गया है कि जो लड़के अपने फादर फिगर को ज़्यादा कॉपी करते हैं और मदर्स अपनी मदर फिगर को, जैसा उनका बिहेवियर, जैसा उनका रहन सहन, चलना, वैसे ही लड़कियाँ ज़्यादा ग्रास्प करती हैं। एंड सेम अपोजिट वे जो हमारे लड़के होते हैं, वो अपने फादर फिगर को ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो हमें चाहिए कि यदि हमारे को अपने बच्चों को सही दिशा में दिखाना है, तो सबसे पहले हमारे को अपने को ही सही करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़, यदि कोई पेरेंट, फादर खुद स्मोक कर रहा है और यदि उसने अपने बच्चे को स्मोक करता हुआ देख लिया और उसको गुस्सा कर रहा है, तो उस फादर को कोई हक नहीं है कि वो अपने बच्चे को रोके उस चीज़ के लिए। क्योंकि सबको पता है सिगरेट हार्मफुल है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी पीते हैं। क्यों पी रहे हैं भाई? टेंशन है, तनाव है, वही जवाब बच्चा भी दे सकता है। तो ये तो एक अवेयरनेस की बात है कि आप अपने को किस प्रकार से अवेयर कर रहे हो। यदि आप गलत काम कर रहे हो और बच्चा भी उस पे चल रहा है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? बच्चे को सुधारने के लिए हमें खुद को भी सही रास्ते पे चलना ज़रूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये तो देखिए बहुत डिस्कशन की बातें हैं। अब हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, आप अपने बच्चे को पहचानें, कैसे पहचानें और अपने बच्चे में कैसे सुधार ला सकते हैं। देखिए, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, मेरा मोटिव सिर्फ आप तक ये जानकारी पहुंचाना है। जो एक ग्रोइंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों में बीमारियों को आने से पहले ही पहचान लें कि वो बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसके व्यवहार से, उसके रूटीन से। यदि आपका बच्चा रात रात भर जाग रहा है, या तो पढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर रात भर भी जग के बच्चा पढ़ता है तो उसका जो डे टाइम होगा वो सोने में जाएगा,
ये एक जो हम हमारी बॉडी की जो एक रिदम होती है वो हमारी रिदम के अगेंस्ट आता है। आज की तारीख में देखा गया है जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो बच्चे काम कर रहे हैं अमूमन उनको पेट से रिलेटेड या डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की शिकायत है। वो क्यों है? क्योंकि रात भर जाग के बैठ के जब काम किया जाता है और दिन में सोया जाता है तो जो हमारा एक ऑर्गेनिक क्लॉक होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। हर बॉडी ऑर्गन का एक टाइम होता है काम करने का। अब वो तो जो परिस्थितियां हैं उसके कारण यदि उनको ये करना पड़ रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए कि उसका क्या हल किया जा सकता है, अपने को वो कैसे बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यंग एज में ही ऐसे कर रहे हैं तो शुरू से ही पेरेंट्स को चाहिए कि उनको मैक्सिमम 10 बजे तक सोने की आदत डालें। बच्चे, क्या आपका बच्चा टाइम से सो रहा है? टाइम से सुबह उठता है? नेचर से अपना संपर्क रखता है? वॉक के लिए जाता है या नहीं जाता? एक्सरसाइज करता है नहीं करता? क्योंकि ये सारी चीज़ें जीवन में ज़रूरी है। खाने में क्या खाता है, मीन्स कि अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा तला हुआ खा रहा है, टाइम बे टाइम खा रहा है, टीवी देखते हुए खा रहा है, तो समझिए कि उसकी हेल्थ मेंटल एंड फिजिकल दोनों पे ही असर पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपका ग्रो करे, हेल्दी हो, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जंक फूड यदि बच्चे खाते हैं तो देखिए, जंक फूड इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। जंक फूड खा के यदि बच्चे बैठे रहते हैं तो उनका शरीर बहुत फैल जाएगा, जो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, जो आने वाले समय में उनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ 100% लेके जाएगा ही जाएगा। तो और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खेलता रहता है, छोटे बच्चे यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खेल रहे हैं तो उनके माइंड पे, ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और आजकल जो हम हाइपर एक्टिव चाइल्ड देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि आज के जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देंगे, टीवी के आगे बैठा देंगे, कि तो बच्चों को सिर्फ देखने देखने की आदत है, एक्शंस करने की आदत नहीं है, बोलते कम है, उनके ब्रेन में जो है हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। मतलब आजकल ज़्यादातर अमूमन बच्चों की शिकायतें जो सुनने में आ रही हैं कि बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, या आपके जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो छोटे बच्चों को जितना कम से कम टीवी दिखाया जाए और उनको इन चीज़ों से, गैजेट से अलग रखा जाए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को देखिए, जब एक बड़े बच्चे हो जाते हैं और उनको लैपटॉप, कंप्यूटर और आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जब फ़ोन की आवश्यकता है, आजकल देखा गया है कि छोटे से छोटे बच्चों को ही मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। तो जब एक पर्टिकुलर एज आने पे आप बच्चे को मोबाइल पकड़ाएंगे, देंगे ज़रूरत के हिसाब से, तो वो उसको फ़ायदा करेगा, अदरवाइज बच्चा मोबाइल का मिसयूज़ ही करेगा। आप बच्चों को कितना समय देते हैं? आज की तारीख में पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते हैं, तो बच्चा आपका किससे अपने मन की बात कहेगा? इवन बच्चों को प्रॉपर टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है, ड्यू टू रीजंस कुछ भी हो। देखिए, हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सही दिशा में जाएं, और जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ का उसका स्टडी टेबल, स्टडी का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आप ज़रूर देखें। क्या उसका सामान इधर उधर पड़ा रहता है? क्या उसके सामान सलीके से लगा हुआ है? क्योंकि यदि आपका वहाँ का वातावरण खराब होगा तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे को इम्पेक्ट करती हैं। जैसे हम रेकी में ऑरा की बात करती हूँ, तो यदि आपके स्टडी टेबल का, आपके बेडरूम का ऑरा सही होगा तभी वो आपको अच्छी चीज़ दे पाएगा। तो जितना बच्चा पढ़ेगा उसको उतनी ही अच्छी नॉलेज होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोटिस करने की। ये हर कोई जानता होगा, बट मेरा एक मोटिव है ध्यान दिलाने का कि पेरेंट्स सबसे पहले ये समझें बच्चे को देख के कि उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। क्या वो बहुत अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा है? क्या वो हाइपर एक्टिव हो रहा है? क्या उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? इन बातों को ध्यान रख के आप अपने बच्चे का एक असेसमेंट करें, और यदि ज़रूरत है तो आप उसको टाइमली काउंसलिंग की ज़रूरत है काउंसलिंग दें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अपना सपोर्ट दें। अब हम और आगे आगे की कड़ी में जानेंगे और कि एंगर के लिए हम अपने बच्चे के बिहेवियर को और अच्छा करने के लिए
क्या कर सकते हैं जानेंगे हम अगली कड़ी में, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी बात की जाए तो आप ज़रूर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।